रेडियो 107.8 FM पर दोस्तों आप सुन रहे हैं ब्रंच से लंच तक। मैं हूं विंदास भावना और हम हमेशा ब्रंच से लंच तक में आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास। इसमें होती है कुछ खास मुलाकात, बहुत सारी जानकारी और ये सब कुछ होता है खूबसूरत गानों के साथ। तो करने वाले हम एक खास मुलाकात और इस खास मुलाकात में हमारे साथ आज स्टूडियो में है अंकुर शरण जी और अर्जुन चड्डा जी। अंकुर शरण जी जो कि को फाउंडर है इंडियन आर्ट्स गिल के और अर्जुन चड्डा जी जो को फाउंडर है इंडिया शैक्स फाउंडिंग टीम ऑफ इंडियन आर्ट्स गिल्ड, और इनका मैं स्वागत करना चाहूंगी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में। थैंक यू मैम। अर्जुन जी और अंकुर जी आप दोनों मेरे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी अंकुर जी कि ये इंडिया आर्ट्स गिल्ड एग्जैक्टली इंडियन आर्ट्स गिल्ड है क्या? इंडियन आर्ट्स गिल्ड मैम, जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छा एक नाम दिया है आत्मनिर्भर भारत, तो उसी के तर्ज पे हम लोग ने सोचा कि क्यों ना हम एक आर्ट की शुरुआत कर रहे हैं और इसको आर्ट निर्भर भारत के नाम से इसको हम आगे ले जाएं, क्योंकि ये एक ऐसा मिशन है जिसके अंदर हमने आर्ट नेटवर्किंग को प्रमोट करने का सोचा और इसमें आर्ट निर्भर भारत के तहत जो भी कॉरपोरेट वर्ल्ड है एज वेल एज प्रिविलेज वर्सेज अंडर प्रिविलेज, इस जो गैप है इसको हम आर्ट के थ्रू पूरा कर सकते हैं, और शायद ये छोटा सा प्रयास हम लोग का है जिसको हम लोग लेके आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्ट्स गिल्ड की, तो अंकुर जी मैं ये जानना चाहती हूँ आप मुझे बताइए कि इंडियन आर्ट्स गिल्ड 7 और 8 नवंबर 2020 11 बजे से 7 बजे एक बहुत ही खास प्रोग्राम लेकर आ रहा है, क्या है ये प्रोग्राम और इसमें कौन लोग हो सकते हैं, किन किन को आप शामिल करना चाहते हैं इनमें? मैम इसमें ये फ्री एंट्री है, इसमें हम अपने फरीदाबाद NCR जो लोग इसको सुन रहे हैं जहां जहां तक इसके एडवर्टीजमेंट या लोगों को हम लोग ने इनवाइट किया है, एवरीबॉडी इज इनवाइटेड हियर। द पॉइंट इज यहां पे जो बेसिक हम लोग जो देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे NGOs जो कि एक्टिवली फरीदाबाद जोन में काफी एक्टिव हैं उनको तो हम लोग ने खास तौर से इन्वाइट किया है, क्योंकि उनके बच्चे उनके बहुत सारे इनिशिएटिव ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक अच्छे रास्ते पे ले जा रहे हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स को लेके हम लोग ले आ रहे हैं। साथ ही साथ हम ऐसे एक्टिविस्टों को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रांतिकारी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो सेव अरावली के रूप में अरावली को बचाने का काम कर रहे हों, चाहे डक्स फाउंडेशन के वॉलंटियर्स जो कि स्किल इन्हांसमेंट की तरफ काम कर रहे हैं, भूखों को रोटी सब्जी देना हमारे रॉबिन हुड आर्मी ने बहुत खूबी से किया जिसको हम लोग ने भी काफी अप्रिशिएट किया और हमारे नेटवर्क ने काफी उनको आगे से आगे लेके आए हैं। तो हम लोग का कोशिश यही है कि अपने फरीदाबाद जोन में जो भी इस तरीके के सामाजिक कल्याण में लोग लगे हैं वो तो रहें, साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग भी इसके साथ जुड़े ताकि वो CSR इनिशिएटिव का भी हम लोग पार्ट बना सके। जी, तो ये बहुत ही खास इवेंट है। वेल दोस्तों आप सभी को मैं बता देती हूँ 7 और 8 नवंबर यानी कल और परसों 11 बजे से 7 बजे आप अपनी बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि आप और कहीं नहीं होने वाले हैं, आप सिर्फ होने वाले हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट अवेयरनेस प्रोग्राम में। क्या ये प्रोग्राम, कौन कौन जा सकते हैं, क्या खास ख्याल रखा जा रहा है आपके लिए इसमें, ये सारी बातें होने वाली हैं आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन पर फेवरेट प्रोग्राम ब्रंच से लंच तक में। जुड़े रहिए रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव।